स्वागत है आपका सुरागीलाल न्यूज चैनल में। मैं पूर्णिमा बहरा और आप देख रहे हैं प्रदेश का स्पेशल बुलेटिन। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रुद्रपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से मासूम की मौत, महिला घायल। जसपुर विधायक और पूर्व विधायक ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। पूर्व सीएम रावत का बयान, कहा कांग्रेस को मिली संजीवनी। रुद्रपुर में कब्र से बाहर निकाला गया पारस का शव। बाजपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन। अल्मोड़ा का युवा भारतीय सेना में हुआ शामिल, खुशी का माहौल। हटिया में हॉस्पिटल के 50 साल पूर्ण होने पर गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन। जयसुर में स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से 3.5 साल के मासूम की मौत हो गई, जबकि मृतक बालक की मामी गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र का प्रकरण है, इसमें अभी एक बच्चे की मृत्यु की सूचना आ रही है। इसमें वो पाइप से दबने की वजह से एक्सीडेंट हुआ और वो पाइप जो है एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो वहाँ पे कुछ राख डालने के लिए आई थी उसकी वजह से ये घटना होना प्रकाश में आ रहा है। इसमें फिलहाल जो है इसमें महिला जो है वो घायल है, उनका उपचार किया जा रहा है और इसकी भी जाँच की जा रही है। इसमें जो भी फैक्ट्स आते हैं सामने उसके हिसाब से इसमें भी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। विधायक और पूर्व विधायक ने नगरपालिका द्वारा भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन का मजाक उड़ाने की बात कही है। उनका कहना है कि नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत पार्कों की दुर्गति की जा रही है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। मीटिंग में कहा कि पार्क का सौंदर्य कराओ, लेकिन वो कराने के लिए तैयार ही नहीं होते। करते हैं शिकायत, पूरा समाज शिकायत करता है, लेकिन ये नहीं कर पाते ना, इस चेयरमैन यूँ नहीं सुन पाते हैं। नगर पालिका के चेयरमैन थे मुख्तियार अहमद जी, उनके कार्यकाल में अब्दुल हमीद पार्क बनाया गया था और बहुत अच्छा पार्क था, लेकिन उसकी आज जर्जर हालत के लिए नगर पालिका प्रशासन उसके पूरी दोषी है। मेरे द्वारा भी बीच बीच में नगरपालिका बोर्ड में बैठक में जाकर उसको प्रस्ताव को रखा गया। हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जो पूर्व चेयरमैन मुख्तियार के पुत्र हैं, उन्होंने भी लिखित में दिया कि इस पार्क का सौंदर्यकरण होना चाहिए। मेरा भी द्वारा प्रयास हुआ, मैंने भी उसमें कई बार पेड़ लगवाए हैं, जो उसमें 4-5 पेड़ खड़े भी हैं वो मेरे द्वारा लगवाए गए थे लगभग 8 से 10 साल पहले। मेरा प्रयास था कि पार्क डेवलप हो, लेकिन नगरपालिका उधर सुध नहीं ले रही। उसमें पशु के लोग पशु बांधते हैं मोहल्ले के लोग और कूड़ा करके डालते हैं, जबकि वहाँ के लोगों के आसपास जो रहते हैं उनको गंदगी से दिक्कत होती है। लेकिन इसके लिए नगरपालिका बिल्कुल मूकदर्शक बनी बैठी है, चेयरमैन पर्सन हो या ईओ, कोई भी उधर ऐसा कोई काम करने को तैयार नहीं है जिससे जनता का हित हो। पार्क बनाए जाते हैं वो सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए जाते हैं और लोग उसे विचरण कर सकें, बैठें, कुछ वृद्ध लोग आपस में बातें कर सकें, तो एक कम्युनिटी के लिए होता है। पर बड़ा दुर्भाग्य है कि इसकी गंभीरता को नगरपालिका नहीं समझ रही और उस पार्क को जो सार्वजनिक उपयोग के लिए होना चाहिए था वो निजी उपयोग के लिए उसका लोग उपयोग कर रहे हैं और ऐसे धीरे धीरे कब्जा हो जाना है, तो ये बड़ा गलत है। और मैं तो चाहूँगा कि उसको ठीक से डेवलप किया जाए, उसका सौंदर्यकरण हो और हमसे जो भी मदद होगी हम भी करने को तैयार हैं, पर इसका काम होना चाहिए। देखिए, मैं किसी को आक्षेप किसी एक व्यक्ति पर तो नहीं लगाना चाहूँगा, मैं तो पूरी व्यवस्था पर लगा रहा हूँ कि नगर पालिका जो है उसमें उदासीन है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज हल्द्वानी पहुँचे, जहाँ उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत से 7 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए भी पार्टी को नई संजीवनी मिली है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। यहाँ दो कारण स्पष्ट हैं, एक तो कुछ हमारी अपनी चूकें रही हैं, कमियां रही हैं, जिनको हमको दूर करना पड़ेगा यदि हमको आगे जीत का सिलसिला जारी रखना है, प्रारंभ करना है, तो हमको अपनी चूकों को दूर करना पड़ेगा। और दूसरा, राज्य के लोगों को झूठ और सच में फ़र्क करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा आरोप है कि श्री पुष्कर सिंह धामी का जो नया संस्करण है मुख्यमंत्री के रूप में, ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी के झूठ के गर्भ से पैदा हुआ है। भाजपा के शीर्ष नेताओं ने
जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्रीगण सम्मिलित हैं, इस राज्य में चुनाव के वक्त में एक झूठ परोसा, कहा कि कांग्रेस ने कहा है, और उसमें एक बयान दिखाया गया, एक झूठा अखबार दिखा करके ये कहा गया कि कांग्रेस ने कहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जो बिल्कुल सरासर झूठ था। तो इस मुस्लिम यूनिवर्सिटी के झूठ के गर्व से श्री पुष्कर सिंह धामी का जो नया मुख्यमंत्री संस्करण है वो निकला। रुद्रपुर में 8 वर्षीय पारस का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर में मिला था, जिसे आज कब्र से निकाला गया। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने बताया कि मृतक की मां की शिकायत पर मामले की जांच शुरू की गई थी और शव को मजिस्ट्रेट के समक्ष कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। याद है 8 साल के बच्चे का मौत जो है काफी दिन पहले हो गया था, जिसको परिवार वालों ने अपने आप ले जाके वहाँ पर जो है बरेली में उनका मूल निवास स्थान है वहाँ पे जाके उन्होंने अंतिम संस्कार मतलब दफना दिया था। तो फिर बाद में कई दिन बाद हमको तहरीर आती है महिला द्वारा, जो माँ है बच्चे की माँ द्वारा, कि मेरे बेटे का शव जो है संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया था, इसके ऊपर मुझे कार्रवाई चाहिए करके। जबकि पुलिस को पहले कभी रिपोर्ट ही नहीं हुआ था, अपने आप उन्होंने कर दिया था जो मामला भी है। तो तत्काल हमने इस बात का संज्ञान लिया, इस तहरीर के ऊपर संज्ञान लिया हमने यहाँ के DM साहब से और बरेली के DM साहब से, दोनों से पत्राचार करके अभी जो है उसको एक्सुमेशन किया जा रहा है। एक्सुमेशन के पश्चात पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के पश्चात हम जो एक्शन लेना है, पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के आधार पर जो एक्शन लेना है, तो उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। अग्रिम। बाजपुर के अनाज मंडी स्थित किसान मेले में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ बन्नाखेड़ा चौकी इंचार्ज दीपक कौशिक ने फीता काट कर और रक्तदान करके किया। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। देखिए, बाजपुर अनाज मंडी में कई दिनों से किसान मेला लगा हुआ है और इसमें कई दिनों से कई अच्छी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं, और आज बाजपुर चैरिटेबल ब्लड डोनेशन जो सेंटर है, इसने यहाँ कैंप लगाया, और ये बहुत अच्छा एक जेस्चर है कि बाजपुर के लोग आके, बाजपुर के किसान आके यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं, और एक सोशल कॉज भी है। और मैं धन्यवाद करता हूँ जो लोग आए हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके यहाँ ब्लड डोनेट करेंगे। ये बाजपुर अनाज मंडी में कैंप लगा हुआ है, किसान मेले में ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे ब्लड डोनेट करने के लिए आया हूँ। और मेरा एक छोटा सा मैसेज सभी से है कि सभी को अपना अपने अपनी सेहत के हिसाब से और अपने समय के हिसाब से ब्लड डोनेट करना चाहिए, और उससे अपने शरीर का भी फ़ायदा है और जिसको कभी ज़रूरत पड़ती है उसको भी फ़ायदा मिलता है। तो मेरी सभी से दरख्वास्त है कि कभी भी अगर आप स्वस्थ हैं और आपको लगता है कि मुझे ब्लड डोनेट करना चाहिए, तो आप सभी लोगों को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए और कभी कभी ब्लड डोनेट करना चाहिए। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। आप लोगों को करीब ला। अल्मोड़ा सालम पट्टी के सुंदर सिंह बोरा के सेना में लेफ्टिनेंट बनने पर क्षेत्र में खुशी की लहर है। सुंदर सिंह बोरा ने 2015 में इंजीनियरिंग कोर में सिपाही के पद पर भर्ती होकर लेफ्टिनेंट के पद तक संघर्ष का सफर तय किया। सेना में लेफ्टिनेंट बनने पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। इस दौरान राजकीय शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष तारा सिंह बिष्ट ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि सुंदर बोरा आज के विद्यार्थियों के लिए एक उदाहरण है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कल देर शाम मोहल्ला नथा सिंह में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 5.10 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय उधम सिंह नगर द्वारा जिले में नशे के विरुद्ध अभियान चलाया गया है, जिस संबंध में कल दिनांक को पुलिस टीम द्वारा मोहल्ला नथा सिंह से मोहम्मद परवेज को स्मैक के साथ पकड़ा था, जिससे 5.10 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी।
उससे हम हमारे द्वारा पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया कि वह मोनी उर्फ मोहसिन जो कि नत्था सिंह मोहल्ले का ही रहने वाला है उसके लिए काम करता है और उसी का स्मैक भेजता है। उससे सख्ती से पूछताछ की गई थी तो उसके द्वारा बताया कि मैं पूर्व में भी स्मैक में पकड़ा गया हूँ, जिस संबंध में आगे विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पर 485 मुकदमा दर्ज की गई है और नशे के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जा रही है और लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। भारतीय सैन्य अकादमी से 314 कैडेट्स पास आउट होकर देश की सेना में अफसर बने हैं। बता दें कि रिव्यूइंग ऑफिसर सेंट्रल कमांड के GOC इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। इस दौरान पवन कुमार को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर व स्वर्ण पदक, जगजीत सिंह को रजत पदक, अभिषेक शर्मा को रजत पदक, TTC राहुल लिखित को कांस्य पदक और जोजिला कंपनी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर से सम्मानित किया गया है। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। बहुत बड़ी खुशी है जी। और सपना तो पहले तो मैं सोचता था कि क्योंकि इंटेलिजेंट था IPS IAS बने, पर इसका अपना एक बड़ा एक सपना था और इसके चाचू का बहुत ज़्यादा सपना था कि ये मिलिट्री में जाए। मुझे बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है और मैं चाहता हूँ बच्चों से भी वो भी इसमें जाएँ, ज़्यादा आगे से आगे जाएँ। कभी आपने सोचा था कि मेरा बेटा इतना बड़ा ऑफिसर बनेगा, कब ये ध्यान आया? नहीं, कभी नहीं आया ऐसा। तो वो होशियार है पहले से, पढ़ाई में अच्छा था, मगर इस लाइन में ऐसा डिफेंस में जाने का कोई इरादा नहीं था हमारी तरफ से। मगर जब वो स्कूल में 10th हुआ तभी उनको टीचर ने बताया कि ये बच्चा NDA के लायक है, इसमें जा सकता है, डिफेंस में बहुत अच्छा कर सकता है, इसमें वो सब कुछ स्किल है जो वो कर सकता है। और उस समय से बस 10th से उसने भी ठान लिया हमको जाने का है। और माता-पिता के लिए इससे बड़ा गौरव का पल नहीं हो सकता? बहुत बहुत गर्व का क्षण है मेरा, हमारे लिए, हमारे दोनों के लिए। हमारा बच्चा देश के लिए कुछ करने वाला है, देश के संरक्षण के लिए कुछ करने वाला है, डिफेंस के लिए कुछ करने वाला है। हमें बहुत बहुत प्राउड ऑफ यू, हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा। और हमारे जितने भी रिलेटिव है सबको, सबके लिए वो एक ऐसा आदर्श बन रहा है कि वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहेगा। कोतवाली अल्मोड़ा पुलिस ने बालिका इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में जागरूकता क्लास के माध्यम से छात्राओं को उत्तराखंड पुलिस ऐप, गौरा शक्ति, साइबर अपराध व हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। खटीमा के मझौला स्थित एक हॉस्पिटल की स्थापना के 50 साल पूरे होने पर गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान खटीमा विधानसभा के विधायक भुवन चंद कापड़ी सहित अन्य स्थानीय समाज सेवी भी उपस्थित रहे। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। अस्पताल के 50 वर्ष पूर्ण होने का समारोह मनाया गया, आने का मौका मिला और वो पुरानी यादें ताजा हुई। कैसे कोलेगंज हॉस्पिटल की नींव रखी गई, कैसे स्कूल की नींव रखी गई, किन विषम परिस्थितियों में
फादर्स और सिस्टर ने यहाँ काम किया और इस पूरे क्षेत्र को लाभान्वित किया। वो लेकिन अस्पताल का वो दौर जो खटीमा कनकपुर चकरपुर से लेके सारे लोगों को इलाज देता था उसे याद किया। और मेरे खुद के ताऊजी यहाँ एक मिनट रहते ताऊजी रहते थे, मैं रहा तो बहुत अच्छा लगा पूरा सुना। और डॉक्टर वाजपेयी की याद आज फिर आ गई थी, उन्होंने इस क्षेत्र को बहुत सेवाएँ दी 83 से लेकर 2000 से ज़्यादा 30 से ज़्यादा वर्षों तक, तो बहुत अच्छा समारोह था। 50 साल पहले अस्पताल का शुभारंभ हुआ था और इसके पूरे 50 साल आज हम पूरे कर रहे हैं। इस अस्पताल के माध्यम से यहाँ की जनता को, ना सिर्फ यहाँ की जनता को बल्कि दूर दराज के लोगों के लिए भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत फायदा हुआ है। जिस समय दूर दूर तक इलाज नहीं हो पा रहा था, लोगों को सेवाएं, स्वास्थ्य लेकर सेवाएं नहीं मिल रही थी, तो वो सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध हुई है, उपलब्ध रही है। प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।